दोस्तों, अब मैं फिर एक नौजवान शायर को दरख्वास्त कर रहा हूँ, प्रथमेश बेंद्रे। डॉक्टर कलीम कैसर का एक शेर है कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पे दिल का दरवाज़ा खोल सकता है, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पे दिल का दरवाज़ा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वाह, तो अपनी शायरी में इश्क मोहब्बत की बातें बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे तरीके से करते हैं प्रथमेश बेंद्रे, और पिछले चंद सालों में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, देश के तमाम शहरों में अपने कलाम पेश किए हैं और कई बड़े बड़े रियलिटी शोज में भी उनकी गज़लें आ चुकी हैं। तो मैं बहुत मोहब्बत के साथ प्रथमेश को आवाज़ दे रहा हूँ कि आप सबके सामने आएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया देवमणि जी, और आज के इस तहजीब मुशायरे में, आज की फहरिस्त में मेरी भी शिरकत हुई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बिना एक गज़ल से आगाज़ करता हूँ। मतला कुछ यूं है कि कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं, कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं, कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं, मैं मरकर भी न मरना चाहता हूं, कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं, मैं मरकर भी न मरना चाहता हूं। और शेर समाज फरमाइए कि मुझे चाहे कोई देखे न देखे, मुझे चाहे कोई देखे न देखे, तेरी खातिर संवरना चाहता हूं, मुझे चाहे कोई देखे न देखे, तेरी खातिर संवरना चाहता हूं। सुना है इस गली में घर था उसका, सुना है इस गली में घर था उसका, यहां कुछ पल ठहरना चाहता हूं, वाह वाह भाई वाह। सुना है इस गली में घर था उसका, यहां कुछ पल ठहरना चाहता हूं, सताती है उसी की याद हरदम, सताती है उसी की याद हरदम, जिसे हरदम बिसरना चाहता हूं, सताती है उसी की याद हरदम, जिसे हरदम बिसरना चाहता हूं, ये मुझको क्यों समेटा जा रहा है। आज की वक्त की पाबंदियों की बात नहीं कर रहा हूं मुशायरे की, ये मुझको क्यों समेटा जा रहा है, मैं खुशबू हूं बिखरना चाहता हूं, ये मुझको क्यों समेटा जा रहा है, ये मुझको क्यों समेटा जा रहा है, मैं खुशबू हूं बिखरना चाहता हूं, मेरा गम मुझसे कहने लग गया है, मेरा गम मुझसे कहने लग गया है, मैं अब हद से गुजरना चाहता हूं, मेरा गम मुझसे कहने लग गया है, मैं अब हद से गुजरना चाहता हूं। एक तरन्नुम से गजल सुनाता हूं, तेरे बगैर मुझे चैन आ नहीं सकता, तेरे बगैर मुझे चैन आ नहीं सकता, तेरे बगैर मुझे चैन आ नहीं सकता, ये झूठ है तुझे खुलकर बता नहीं सकता।
सकता। वाह भाई वाह। ये झूठ है तुझे खुल कर बता नहीं सकता। शेर मुलाजा फरमाए, उसी के साथ मेरी शायरी हुई रुखसत, उसी के साथ मेरी शायरी हुई रुखसत, उसी के साथ मेरी शायरी हुई रुखसत, मैं जिसका जिक्र गजल से मिटा नहीं सकता, मैं जिसका जिक्र गजल से मिटा नहीं सकता। देवमणि जी, हुआ है पेड़ पुराना तुम्हारी नजरों में, हुआ है पेड़ पुराना तुम्हारी नजरों में, हुआ है पेड़ पुराना तुम्हारी नजरों में, न सोचिए कि नए गुल खिला नहीं सकता, न सोचिए कि नए गुल खिला नहीं सकता। और एक अलग शेर देखिए, मैं आज मान ही लेता हूँ यार हार अपनी, मैं आज मान ही लेता हूँ यार हार अपनी, यकीन था कि तू मुझको भुला नहीं सकता, मैं आज मान ही लेता हूँ यार हार अपनी, यकीन था कि तू मुझको भुला नहीं सकता। वो पहने रहती है गॉगल जहां भी जाती है, वो पहने रहती है गॉगल जहां भी जाती है, वो पहने रहती है गॉगल जहां भी जाती है, यही सबब है कि आंखें लड़ा नहीं सकता, वो पहने रहती है गॉगल जहां भी जाती है, यही सबब है कि आंखें लड़ा नहीं सकता। मख्ता समात फरमाई, बहुत से ख्वाब दिखाए मुझे प्रथम तूने, बहुत से ख्वाब दिखाए मुझे प्रथम तूने, बहुत से ख्वाब दिखाए मुझे प्रथम तूने, मैं जिनको अपनी हकीकत बना नहीं सकता, मैं जिनको अपनी हकीकत बना नहीं सकता, तेरे बगैर मुझे चैन आ नहीं सकता, ये झूठ है तुझे खुल कर बता नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे प्रथमेश बेंद्रे आपके सामने, जो मोहब्बत की ज़बान में दिलों की दास्तान पेश कर रहे थे। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि आज का नौजवान किस तरह से चीज़ों के बारे में और दिल की भावनाओं के बारे में सोचता है। प्रथम, बहुत बढ़िया गज़ल, बधाई आपको। दोस्तों, चार मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि सफ़र में सभी हैं, खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं ठिकाना किधर है। सफ़र में सभी हैं, खबर है ये किसको, कहाँ मंजिलें हैं ठिकाना किधर है, और उन्हीं को फकत राह देती है दुनिया, जिन्हें ये पता है कि जाना किधर है। वाह 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 वाह, शुक्रिया भाई। तो ऐसे ही हमारे दोस्त हैं कवि अभिनेता अरुण शेखर, जिन्हें ये पता है कि जाना किधर है।
अरुण जी बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, बहुत सारे नाटक कर चुके हैं, वो कई फिल्मों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह कर चुके हैं और उनकी हाल ही में 2 फिल्में OTT पे हैं, कोर्ट मार्शल और कागज़, जिसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। वो कवि भी बहुत अच्छे हैं, उनका कुछ समय पहले कविता संकलन प्रकाशित हुआ मेरा और नछोर। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने दोस्त अरुण शेखर को कि वो आपके सामने आए और अपनी कविता सुनाए। भाई अरुण शेखर, शुक्रिया देवमणि जी और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगाज करता हूँ। दर्दे दिल की दवा नहीं कोई, दर्दे दिल की दवा नहीं कोई, अपना अब तक हुआ नहीं कोई। दर्दे दिल की दवा नहीं कोई, अपना अब तक हुआ नहीं कोई, दिल ये सुनता नहीं मेरा कहना, दिल ये सुनता नहीं मेरा कहना, जैसे लगता नहीं मेरा कोई। वाह भाई वाह, जैसे लगता नहीं मेरा कोई। और एक गजल कोशिश कर रहा हूँ कि तेरा हंसना हंसते रहना अच्छा लगता है, तेरा हंसना हंसते रहना अच्छा लगता है, मैं तो प्यार में पागल हूँ मेरा क्या है। जतन किए पर सीख न पाया दुनियादारी, जतन किए पर सीख न पाया दुनियादारी, और तुम तो खूब सयाने निकले मेरा क्या है। वाह वाह भाई वाह। कश्ती और किनारे दोनों जुदा हुए, कश्ती और किनारे दोनों जुदा हुए, मैं तो अब मझधार में हूँ मेरा क्या है। कश्ती और किनारे दोनों जुदा हुए, मैं तो अब मझधार में हूँ मेरा क्या है, और दुनिया भी दीवानों की खूब परीक्षा लेती है, दुनिया भी दीवानों की खूब परीक्षा लेती है, पास हुआ कि फेल हुआ मेरा क्या है। वाह भाई वाह, पास हुआ कि फेल हुआ मेरा क्या है। और हमने इश्क की खातिर कितने दर्द सहे, हमने इश्क की खातिर कितने दर्द सहे, और सहेंगे सहते रहेंगे मेरा क्या है। दर्दे इश्क सुकून देता है, दर्दे इश्क सुकून देता है, सच कहता हूँ, दर्दे इश्क सुकून देता है, सच कहता हूँ, और तुम चाहो तो लेके देखो मेरा, तुम चाहो तो लेके देखो मेरा क्या है। और इसी में 4 लाइनें और हैं कुछ दूसरे उसकी, वो मैं कोशिश करता हूँ गाने की। तुमसे मिलकर अक्सर मैं तुम हो जाता हूँ, तुमसे मिलकर अक्सर मैं तुम हो जाता हूँ, कहना रहता बहुत बहुत पर चुप हो जाता हूँ, तुमसे मिलकर अक्सर मैं तुम हो जाता हूँ। वाह भाई वाह। कहना रहता बहुत बहुत पर चुप हो जाता हूँ, इंतजार के पल मुश्किल से कटते हैं, इंतजार के पल मुश्किल से कटते हैं, इसको हम तुम अच्छी तरह समझते हैं, इंतजार के पल मुश्किल से कटते हैं, इसको हम तुम अच्छी तरह समझते हैं, बैठे बैठे यूं ही कहीं गुम हो जाता हूँ, तुमसे मिलकर अक्सर मैं तुम हो जाता हूँ, तुमसे मिलकर अक्सर मैं। और दूसरी गजल है कि धूप में भीगे हुए थे बारिशों में जल गए। वाह वाह भाई वाह। धूप में भीगे हुए थे बारिशों में जल गए, और धीरे धीरे आपके सांचे में हम तो ढल गए। धूप में भीगे हुए थे बारिशों में जल गए, और धीरे धीरे आपके सांचे में हम तो ढल गए, और क्या कहें किससे कहें क्यों कर कहें।
क्या कहें, किससे कहें, क्यों कर कहें, खुद ही लगाई आग और खुद ही जल गए। वाह भाई वाह। क्या कहें, किससे कहें, क्यों कर कहें, खुद ही लगाई आग और खुद ही जल गए। और चाह थी लंबे सफर में साथ की, चाह थी लंबे सफर में साथ की, और मोड़ आता इससे पहले रास्ते बदल। चाह थी लंबे सफर में साथ की, मोड़ आता इससे पहले रास्ते बदल गए। और आखिरी शेर देखिए, इतना बदले हम कि तुम हो गए, इतना बदले हम कि हम तुम हो गए, और तुमने कहा तुम ना रहे, तुम तो बदल गए। वाह भाई वाह। इतना बदले हम कि अब तुम हो गए, और तुमने कहा तुम ना रहे, तुम तो बदल गए। और आखिरी गजल सुनाता हूं कि दिल के करीब कोई तन्हा सा दिल रहा होगा, दिल के करीब कोई तन्हा सा दिल रहा होगा, तभी तो इश्क का किस्सा बयां हुआ होगा। वाह भाई वाह। दिल के करीब कोई तन्हा सा दिल रहा होगा, तभी तो इश्क का किस्सा बयां हुआ होगा। और आंखें यूं ही नहीं छलका करती, ये आंखें यूं ही नहीं छलका करती, दिल में लहरें कोई तूफान उठा रहा होगा, दिल में लहरें कोई तूफान उठा रहा होगा। और करोगे इश्क तो खुद ही जानोगे, करोगे इश्क तो खुद ही जानोगे कि कोई परवाना शम्मा में क्यों जला होगा, करोगे इश्क तो खुद ही जानोगे कि कोई परवाना शम्मा में क्यों जला होगा। और लगी जो आग मिलन की तो यूं हुआ होगा, लगी जो आग मिलन की तो यूं हुआ होगा कि कोई दूरी कोई दिक्कत कोई दुश्मन न बचा होगा। वाह वाह भाई वाह। लगी जो आग मिलन की तो यूं हुआ होगा, कोई दूरी कोई दिक्कत कोई दुश्मन न बचा होगा। और आखिरी शेर है, इसके साथ ही मैं विदा लूंगा, कि मेरी यादें मेरी बातें ख्याल मेरा ही, मेरी यादें मेरी बातें ख्याल मेरा ही, रात दिन तुमको परेशान कर रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण शेखर, जो आपके सामने अपनी गजलें पेश कर रहे थे। तो इतने सुंदर कलाम के लिए अरुण जी आपको बहुत बहुत बधाई। Oh, 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 oh